नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला एक बार पुनः आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग एक बहुत स्पेशल सेशन लेके आए हैं, वो भी सुस्त आयोग UPSSC को लेके। अभी एक पेपर में सुबह से ही कटिंग बहुत ज़्यादा टहल रही है, 40,000 वैकेंसी। क्या है इसकी सच्चाई? और सबसे बड़ी बात है कि UPSSC अभी गत वर्ष देखा जाए तो 2016 के बाद से ही उसका क्या सीन रहा है और आगे अब क्या होना है, क्योंकि अभी आपका चुनाव भी हो गया और 10 तारीख को आपका रिजल्ट भी आ जाना है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं अब UPSSC में एक रफ्तार पकड़ेगी, और वो रफ्तार की जो एक बोल सकते हो साइन है, वो आज ही आपको देखने को मिल जाएगा। आज कुछ चीजें होने वाली हैं, अभी मैं 100% तो श्योर नहीं हूं, बट एक दो दिन में आपके दो तीन रिजल्ट यहाँ पे क्लियर होंगे। एक तो आपका यहाँ पे लोअर का 2019 वाला रिजल्ट क्लियर होने वाला है, दूसरा 2016 का जूनियर असिस्टेंट, ये दो रिजल्ट बहुत जल्दी क्लियर होने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम पहले उसकी बात कर लेते हैं जो पेपर की कटिंग टहल रही है, उस पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात हम चर्चा करेंगे कि रिजल्ट, एग्जाम और न्यू वैकेंसी, कौन से रिजल्ट आने हैं, कौन सा एग्जाम होना है और कौन सी न्यू वैकेंसी आनी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उनकी सच्चाई क्या है वो सारी बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। बहुत सारी खबर हम वीडियो एग्जाम के बारे में भी देने वाले हैं, जूनियर असिस्टेंट के बारे में देने वाले हैं, जो अपकमिंग वैकेंसी है, और भी जो आपका लेखपाल यहाँ पे चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि उसका एग्जाम और उसका तरीका क्या होगा, परसेंटाइल का डिसाइड कर रहे हैं, इन पे हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये पेपर कटिंग पे आप लोग थोड़ा सा भरोसा कर लेते हो, करना भी चाहिए, लेकिन उतना ही करना चाहिए जहां पे लॉजिकली हो। इन्होंने तो बस ज्यादा जोश में आके 40,000 पदों पे अगले माह में शुरू होगी भर्तियां इन्होंने डाल दिया। प्रवीर कुमार जी की बात है, वो तुरंत ही कुछ ही, उनके सामने कोई भी मीडिया जाएगा तो उन्हें चार शब्द बोलने ही होते हैं, उन्होंने जो बोला वही छाप दिए। बाद में अगर आप इन पूरी वैकेंसीज को जोड़ोगे तो ये 40,000 पूरी ही नहीं हो रहे हैं, कायदे से 30,000 वैकेंसी पूरे हो रहे हैं, लेकिन इनको फिगर बड़ा सा दिखाना है, जिसमें भी दो वैकेंसियां ANM 9,212 और लेखपाल 8,085, जो सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए जरूरी है लेखपाल, और इसे अधर में अटकाए हुए हैं। कहीं ना कहीं एक जो PET का लोचा है वो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। PET से एक बात मैं आपको और बता दूं, इसी वीडियो में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि PET अब, क्योंकि 10 मार्च को रिजल्ट आने वाला है, आप लोग भी देख रहे होगे, एग्जिट पोल वगैरह देख रहे होगे, अनुमान भी चल रहा होगा, तो एक बात समझना कि दोबारा से PET भी बहुत जल्दी होने वाली है, आप इतना समझते हुए चलना, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो तीन वैकेंसीज का फॉर्म आ चुका है, ITI अनुदेशक, लेखपाल, ANM, और इनकी अगर पूछा जाए परीक्षा कब होनी है तो अभी तक आयोग सुस्त पड़ा था। देखो, कहा जाता है कि शासन का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, लेकिन अधीनस्थ और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड दोनों ही एक ऐसे बोर्ड हैं जिन पे शासन का अधिकार ज्यादा या उनका हस्तक्षेप ज्यादा है, बिना उनके वहां पे एक चिड़िया भी वहां पे पंख नहीं फैलाती है। और ये भी समझ सकते हो कि चुनाव चल रहे थे तो उनके सारे अधिकारी कहीं ना कहीं चुनाव ड्यूटी में लगे थे, तो वहां पे भी उनको परेशानी हो रही थी। बट कल के बाद से, 10 तारीख के बाद से इसमें थोड़ी तेजी आएगी, और तेजी 7 तारीख के शाम से ही आ गई है। पूरा प्रोसेस यही था कि जैसे ही 7वें चरण का चुनाव खत्म होता है, उसके पीछे कारण ये होता है, मैं आपको समझा दूं कि चुनाव जब तक था, लास्ट चरण भी जब तक नहीं हो जाता, वो रिजल्ट घोषित नहीं कर सकते। अगर रिजल्ट की बात किया जाए, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। खैर, इसके अभी हम देखेंगे क्या है, कितनी वैकेंसी जाने हैं, लेकिन रिजल्ट की चर्चा कर ले तो रिजल्ट में आपका कौन सा आना है, एक आपका लोअर का आना है जो आज या कल में ही आ जाएगा, लोअर 2019 का, और एक आपका जूनियर असिस्टेंट 2016, ठीक है, इसका भी बहुत जल्दी आने वाला है, दोनों रिजल्ट बहुत जल्दी आएंगे। अब रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे थे, क्योंकि इनका मानना यह था, एक में आपके करीबन 672 पद और एक में आपके 500 समथिंग पद, अगर उन्हें रिजल्ट देंगे तो करीबन 1/3 ही बच्चे सेलेक्ट होते और बाकी क्या होते, बाहर होते। तो उनका ये मानना था कि 2/3 परिवार तो उनसे गुस्सा हो जाता, तो उनके वोट पे असर पड़ता। सरकार है, शासन है, और शासन का आयोग पे कहीं ना कहीं जोर चलता है और उनकी पूरी साइकोलॉजी होती, इसी कारण से उनका होल्ड भी किया था। यही बात चल रही थी कि जैसे ही 7 मार्च को अंतिम चरण का चुनाव होता है, सारे रिजल्ट पे तेजी हो लाई जाएगी और उसका आप प्रत्यक्ष प्रमाण आज ही देख सकते हो शाम तक, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट आने वाले हैं। एग्जाम कौन कौन सा है, एक आपका वीडियो री एग्जाम, ये कंफर्म आपसे होने वाला है, मैं आपको बता दूं, इसकी तैयारी फिर से शुरू कर दीजिए। 18 लाख से ज्यादा बच्चे हैं इसमें, और फिर से अभी एक अलग से वीडियो भी हम इस पे बनाएंगे कि कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, क्या पुराने ही बच्चे, नया फॉर्म नहीं भरा जाएगा, SSSC क्या है, SSSC का क्या चलेगा, ये सारी चीजें जो है वो आप आशीष सर वीडियो लेके आएंगे, वीडियो के बारे में, एग्जाम के बारे में बताएंगे। लेकिन मैं इतना बता दूं कि आपका वीडियो एग्जाम होने वाला है, उसके बाद आपका सबसे ज्यादा वेटेज लेखपाल पे दिया जाएगा, ANM पे दिया जाएगा और इंस्ट्रक्टर पे दिया जाएगा,
ठीक है ना, ये आपके चार एग्जाम कंडक्ट होंगे और ये अप्रैल के बाद से बैक टू बैक होंगे। समय अब नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दूं। न्यू वैकेंसीज में अगर देखा जाए तो न्यू वैकेंसीज में फिर से कनिष्ठ सहायक स्टेनो की वैकेंसी आ रही है, 2000 से ज्यादा पद हैं, अच्छी वैकेंसी है, इसके लिए जुट जाइए फिर से। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपका AGTA का आ रहा है और भी बहुत सारे पद आ रहे हैं लेखा वगैरह के, तो उसके लिए तैयारी आप करते रहो। एक बार आते हैं हम लोग कटिंग पे, तो ये किसमें किसमें बताए हैं, गन्ना पर्यवेक्षक मैंने बताया AGTA है ना, कनिष्ठ सहायक का जूनियर असिस्टेंट है, प्रयोगशाला सहायक का है, EO व JEE का आ रहा है, 2200 पद आ रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। रोडवेज में 1500 पद, इसमें अच्छा खासा चांस आपको मिलेगा, और सिंचाई विभाग में भी 800 पद आ रहे हैं। टोटल जोड़ा जाए तो लगभग ये 30,000 पद हैं, जिसमें आपका देखा जाए 20,000-22,000 का पहले से ही निकल चुका है, और बाकी जो बचे हैं वो कितने हैं, यहाँ पे 10,000 पद अभी भी स्टिल आने वाले हैं, और दूसरा आपका वीडियो का जो री एग्जाम है वो भी इसी में इंक्लूडेड मान के चलो, क्योंकि सरकार उसे भी काउंट करवाएगी। फिर भी देखा जाए तो चांस इस साल है अच्छा, और आप अपनी तैयारी को फिर से एक वो दे दीजिए, स्पीड दे दीजिए। बहुत सारी निराशा हमारे दिमाग में होती है और मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, जाहिर सी बात है हम लोग खुद ही निराश हो जाते हैं कि पिछले 4 साल से 5 साल से 6 साल से 2016 के बाद से कुछ भी क्लियर नहीं कर रहा है। इतना भी सुस्त नहीं होना चाहिए। आप अभ्यर्थियों के साथ क्या कर रहे हो, उनके भविष्य के साथ क्या कर रहे हो, खैर अगर देर ही आए दुरुस्त आए, अब से सुधर जाए तो भी बहुत बढ़िया है, हम केवल एक आशा जता सकते हैं, बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है, अगर जल्दी आ गया तो आनंद फानंद में हमारी चीजें बिगड़े बिना, तो आपके सामने काफी सारी वैकेंसीज हैं, तैयारी करना शुरू कर दीजिए और आज से ही उसको आपको चीजों को अपडेट मिलना शुरू हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि वीडियो एग्जाम के लिए अभी टीम ने पहले भी कोर्स चलाया था, लेकिन बहुत सारे डिमांड कर रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए भी एक बार दोबारा से वीडियो का जो कोर्स है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास लेके आया जाएगा। बाकी लेखपाल का चल ही रहा है ना, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें से आप जुड़ जाइए। बाकी जो भी एग्जाम है, UP SSC हो या अन्य भी विभाग के हों, है अन्य आयोग के हों, उन सभी की तैयारी आप यहाँ पे देख सकते हो। यूपी कांस्टेबल का चल रहा है, कंप्यूटर इसका भी, अभी मैं आपको बता दूं कि निःशुल्क बैच हम लोग लेके आ रहे हैं, फिर से मैं बता दूं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लेके आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त इसमें तैयारी कर कराने की पूरी टीम सोच रही है। यूपी कांस्टेबल वाले तैयार हो जाओ, कंप्यूटर ऑपरेटर का बैच चल ही रहा है, लेखपाल का चल ही रहा है, UPSI और ASI की न्यू वैकेंसीज आ रही हैं, संकल्प बैच में सारे कोर्स हैं, सुपर टेट चल रहा है, वीडियो एग्जाम का बैच आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड चलेगा, बहुत ही न्यूनतम शुल्क में, मुश्किल से 200-300 रुपए इसकी फीस रखी जाएगी, जो भी न्यूनतम हो सकता है वो हम करने का प्रयास करेंगे। रेडियो ऑपरेटर का बैच चल रहा है, अलाहाबाद हाईकोर्ट CND का भी बैच चल रहा है, और NVS का तो अभी एग्जाम चल ही रहा है, इसका बैच लगभग समाप्त होने को है। न्यूनतम मूल्य सर्वोच्च गुणवत्ता के साथ भव्य डिस्काउंट हमेशा चलते रहते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी बैच से जुड़ना चाहते हो तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हो, या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, या फिर आप सीधा प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करके और वहां से कोर्स परचेज कर सकते हो। लेकिन ये एक अलग की बात है, इसमें हम बाद में बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अब आप समय मत गवाओ, चाहे आप यहां से तैयारी करो या आप कहीं भी जुड़े हो, कहीं से तैयारी कर रहे होगे, आप अपनी तैयारी को एक फिर से जो बोलते हैं पेस देना है वो आप उसे देना शुरू कर दो, अपना टाइम टेबल बना लो, और अब एक जो गंभीरता के साथ है उसकी तैयारी में जुड़ जाओ। एक महीना आपने बर्बाद कहीं ना कहीं कर दिया है, एक निराशा है, बट उस निराशा में हमें कहीं ना कहीं एक आशा की तरफ ही आगे बढ़ना है, निराश होकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का।